चलो यार, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए वो कॉलेज लेकर आ चुका हूँ जिसके लिए तुम सब एक तरह से तड़प रहे थे। जी हाँ, नालसार की बात करेंगे दोस्त, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। दोस्त हम लोग जानेंगे इसकी हर वो डिटेल। जी हाँ, क्लैट का एग्जाम तुम्हारा परसों होने वाला है, तुम्हें इससे बड़ी मोटिवेशन नहीं मिलने वाली है दोस्त। ये तुम्हारा सपनों का कॉलेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्त, हर वो इंसान, हर वो ग्रुप जहां जहां तुम ज्वाइंड हो, उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा दो दोस्त, क्योंकि उन्हें भी तो जानना चाहिए कि साल भर जो मेहनत करी, अगर उसको गलती से किसी भी एक वजह से, चाहे वो कम नींद लेना हुआ, अच्छा खाना ना खाना हुआ, या कोई भी छोटा सा टेंशन लेना हुआ जिसकी वजह से अगर खराब कर दिया, तो वो क्या लूज कर सकते हैं। दोस्त हम लोग देखेंगे नालसार हैदराबाद को पूरी डिटेल में। और सुनो यार, इस वीडियो को लाने में सबसे ज्यादा देर क्यों हुई? देखो यार, एक वीडियो को बनाने में पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। मुझे इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है, हर किसी से मेरा कांटेक्ट एक्चुअली नहीं भी है, बट आई ट्राई टू रीच देम एंड देन आई ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, देन आई प्रिपेयर दिस होल पीपीटी फॉर यू, देन आई ट्राई टू मेक द वीडियो, एंड आई एम ऑल्सो अ कॉलेज स्टूडेंट, सो आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑल्सो। बट मेरा तुमसे कमिटमेंट है दोस्त कि तुम लोगों के एडमिशन से पहले पहले सारे एनालिसिस कवर होंगे, फिर उसके बाद मैं और कॉलेज पे आऊंगा। जो लोग क्राइस्ट, निर्मा और डिमांड्स कर रहे हैं, उन सभी को ये चीजें मिलेंगी दोस्त, लेकिन कब? एनालिसिस के खत्म होने के बाद। सो टिल देन प्लीज वेट। एंड अब हम लोग बात करेंगे नालसार के बारे में। नालसार देखो यार, अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास, लाइक वर्ल्ड क्लास तो आई थिंक लॉ स्कूल्स में इंडिया कहना ही गलती है, इंडिया के लॉ स्कूल कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं उससे। हाँ, इंडिया में टॉप क्लास एक यूनिवर्सिटी है आपकी। जी हाँ, यहां पे जाने के लिए इंडिया का हर बंदा तरसता है जो लॉ की फील्ड में घुसना चाहता है। दोस्त हम लोग जानेंगे क्या है नालसार में ऐसा। तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं सीधे नालसार के 2019 पास आउट अद्वैत भैया से, जो कि इस समय अमरचंद में प्लेस में। तो दोस्त हम लोग बात करेंगे हर वो डिटेल की, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो सच है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जाके तुम्हें क्या मिलने वाला है, ठीक है? और यार शायद तुम्हें इस वीडियो के बारे में बाद वो जो एक कंफ्यूजन रहता है ना कि नालसार, NLSIU, NLUD, NUJS, कहां, तो शायद तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिल रही हो कि मेरा ओपिनियन किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। दोस्त चलिए बात करेंगे यार हम लोग नालसार की बिल्कुल डिटेल में, पर उससे पहले हमारा जो ट्रेडिशन हो रखा है वो क्या है, कॉलेज को अच्छे से घूम कर आना, उसकी रंगीनियत को देखना। तो चलो दोस्त कॉलेज को घूम कर आते हैं। आई गारंटी तुम्हें कॉलेज पसंद आया दोस्त, आया ना? अभी तक का सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना वीडियो में, इसी बात पे सिर्फ वो एक सब्सक्राइब बटन पर दबा दो, घंटी को प्रेस कर दो, ताकि मेरे को मोटिवेशन थोड़ा और मिले सारे एनालिसिस को कवर करने का, और तुम्हारे लिए और एक से एक शानदार मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशन पूरा भरा हुआ कंटेंट लेके आने का। चलो हम लोग यार देखेंगे नालसार कॉलेज के बारे में बेसिक डिटेल्स, समझ रहे हो? हम लोग जानेंगे कि यहां पे ये कॉलेज कब आ चुका है। 1998 में दोस्त ये कॉलेज तुम्हारा एस्टेब्लिश हो चुका है, काफी पुराना कॉलेज है। BA LLB कोर्स के लिए सबसे बढ़िया जो है ये इनिशियल यूनिवर्सिटी जो हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश हुई थी उनमें से एक है।
दोस्त वही क्राइटेरिया, जो यूनिवर्सिटीज पहले आई उनका वर्चस्व पहले ज्यादा बढ़ा। ये चीज मैं तुम्हें कईयों वीडियो में बता चुका हूं, क्यों? बिकॉज दे हैड द टाइम टू इवॉल्व, उन्हें पता था कि उन्हें कैसे ग्रो करना है और एटलीस्ट उनके पास टाइम तो था अपनी मिस्टेक से सीख सीख कर इवॉल्व करते हुए। दैट इज द रीजन एंड नाजार हैदराबाद इज वन ऑफ देम। सो नो डाउट, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं दोस्त, ऐसे यूनिवर्सिटीज रिव्यू नहीं करी जाती, इनमें बस जाया जाता है, ठीक है। चलो हैंगआउट प्लेसेस की बात कर लेते हैं दोस्त। यार कैंपस में भी बहुत सारी हैंगआउट प्लेसेस है, बहुत सुंदर कैंपस हो रखा है तुम्हारा, यहां तक कि सीसीडी भी तुम्हारा कैंपस में हो रखा है, टपरी तुम्हारे बाहर कॉलेज की मिल रही होंगी और कैंपस के अंदर भी एक लेक दिखाई दे रही होगी दोस्त, जो कि बारिश होने पर अच्छी खासी भर जाती है और आप एक कैंपस से सुंदरता के मामले में क्या लेंगे। चलिए सर, कोर्सेस बीए एलएलबी ऑनर्स हो रहा होगा आपका, एलएलएम एमबीए पीजी डिप्लोमा हो रहा होगा, पीएचडी एलएलएम पीएचडी पोस्ट डॉक, इतने सारे कोर्सेस हो रहे हैं दोस्त, ठीक है। काफी काफी ज्यादा होलिस्टिक एनवायरनमेंट, हर तरह से यहां पे तुम्हें स्टूडेंट्स मिल रहे होंगे, लॉ के हर मतलब हर लेवल के स्टूडेंट्स मिल रहे होंगे, तो तुम्हारे पास सीनियर्स की भयंकर गाइडेंस की कोई कमी नहीं हो रही होगी, ठीक है। सो कोर्सेस हमारे ये रहे। बात करते हैं आगे की, जो होता है सीट ब्रेकअप। दोस्त देख सकते हैं हम लोग की सीट जो है 75 जनरल की, और इस तरह से ये कोटा लगते हुए इतनी सारी सीटें हमारी हो रही होती हैं, इसको आप काउंट कर सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, एडमिशन के टाइम अपने एडमिशन पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है दोस्त, ठीक है। और हमें यहाँ पे बहुत ही शानदार कॉलेज में पहुंचना है अपने फायदों को देखते हुए, ठीक है। चलिए सीट ब्रेकअप हमने समझ लिया दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं क्लब्स और कमिटीज। बहुत बढ़िया यार, मैं बताता हूं यार, इसमें ऐसी ऐसे क्लब्स हैं जो शायद तुमने सुने भी ना हो। देखो इंफिनिटी फाइनेंस क्लब, भाई तुम्हारा एमबीए हो रहा है इस वजह से, यूनियोया, ठीक है, मार्केटिंग क्लब हो रहा है, फिर हॉरिजन एचआर क्लब, ये सब चीजें तुम्हारे समझ रहे एमबीए वालों की तक है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो है कल्चरल स्पोर्ट्स कमिटी, इसके अलावा जो तुम्हारे जो नॉर्मल क्लब्स होते हैं ना, मूड कोर्ट एंड एवरीथिंग, दैट वाज ऑलरेडी देयर, ये तो होने ही होने हैं। यहां मैंने तुम्हें सोचा कि इसके बारे में भी तुम्हें बताता चलूं कि दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द एमबीए थिंग विच इज गोइंग ऑन इन दिस यूनिवर्सिटी विच इज नॉट देयर इन अदर एनएलयूज। गाइज यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर टू। सो चलिए हम लोग देख रहे हैं यार, यहाँ पे कल्चर एंड स्पोर्ट्स कमिटी होती है जो कि काफी एक्टिव है। मैं तुम बताऊंगा क्यों, बिकॉज आगे जाके तुम देखोगे कि नालसार में कुछ ऐसा हो रहा है जो कहीं नहीं हो रहा। जी हाँ, नालसार में कुछ ऐसा हो रहा है जो कहीं नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ दिस कल्चर एंड स्पोर्ट्स कमेटी। जी हाँ, चलिए स्टूडेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, ये सब चीजें हैं ना रहती हैं, आपको इनको एक्सप्लोर करेंगे जाके अपने कॉलेज में। ये मैंने लिस्ट को बहुत कंसाइज रखा है, चीजें बहुत वास्ट है, मतलब बहुत सारी होती हैं कमेटीज, यू विल कम टू नो आफ्टर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो नीड ऑफ नोइंग देम, सो आई हैव नॉट कवर्ड देम इन दिस स्लाइड। चलिए सर अब बताते हैं, आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग देखते हैं यार फी स्ट्रक्चर यार, तुम्हारा बीए एलिमेंट लगभग तुम्हें 2.4 लाख रुपीस देने हो रहे होंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो रहा होता है, ठीक है। एलएलएम एमबीए पीएचडी इन सब की फी स्ट्रक्चर दे रखी है, तुम लोग यार देख सकते हो काफी काफी ज्यादा ठीक हो रखा है। आई नो थोड़े से ज्यादा चार्जेस हैं, बट कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। यार यहाँ पे देखो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन तुम्हारे कॉलेज में कौन कौन से जीते जा रहे हैं, सोनी मूट होता है, इंटरनेशनल मूट लॉ मूट होता है, फिर एनएफसीजी लॉ मूट होता है, ये यार अपने आप में तो बताता हूँ इंडिया के वन ऑफ द टॉप, जी हाँ इंडिया के वन ऑफ द टॉप मूट्स होते हैं। यहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल का भी पार्टिसिपेशन देखते हैं, एक्सपोजर समझ रहे हो यार, तुम कहाँ के मतलब कोई छोटे मोटे इलाके से कहीं भी हो, तुम नालसार पहुंचते हो और तुम किस लेवल पे लोगों से एक्सपोज, तुम्हारी क्या कॉन्टेक्ट बन रहा है, तुम समझ पा रहे हो, लेवल देखो यार, ठीक है। और चीजें समझने, फैसिलिटीज यार, हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी बहुत शानदार है, हमारे यहाँ पे क्लासेस बहुत शानदार है, हमारे मूट कोर्ट बहुत शानदार है, हमारे कंप्यूटर लैब बहुत शानदार है, भाई क्या नहीं है दोस्त, क्या नहीं है। सर कर्फ्यू टाइमिंग्स बता दो यार, कर्फ्यू टाइमिंग्स देखो यार बहुत सही है, 9 बजे कॉलेज में घुस जाइए, लाइब्रेरी 1 बजे तक खुली होगी, एग्जाम के टाइम में लाइब्रेरी 3 बजे तक खुल जाती है, और जब लाइब्रेरी 1 बजे तक खुली है तो आप हॉस्टल में भी 1 बजे तक घुस सकते हैं। यार मैंने बताया कैंपस बहुत अच्छा है, हॉस्टल्स इसलिए ज्यादा है, 6 हॉस्टल बॉयज के लिए है, 5 हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए है, डबल ऑक्युपेंसी यहाँ पे आपको थर्ड ईयर तक मिल रही होगी, और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपको सिंगल रूम प्रोवाइड करे जा रहे होंगे। ये आप कुछ ऐसा पिक्चर देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे मिल रही है। सर ऐसी सिचुएशन आप नालसार में फेस करेंगे कि आप एकदम कंफर्टेबल अपने आप को पाएंगे, ठीक है।
दिस इज वेरी डिसेंट टाइमिंग वाइज एंड एवरीथिंग, यू आर हैविंग ग्रेट फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन। ओके सर, फेस्ट भाई मैं तुमसे कहता ना कल्चर स्पोर्ट्स कमेटी कुछ तो ऐसा कर रही है, मैं तुम्हें बताता हूं यार, अवध एंड मगध, साउदी फेस्ट, तेलुगु फेस्ट, लोधी फेस्ट, राजस्थानी फेस्ट, ईस्ट फेस्ट, कुछ आइडिया लग रहा है इस चीज से? कैन वी से कि दिस इज समथिंग कॉल्ड रीजनल फेस्ट गोइंग ऑन इनसाइड द कैंपस? समझो यार, कॉलेज के अंदर पूरे हमारे एनएलयूज में क्या होता है, हमारे एनएलयूज में पूरे ऑल ओवर कंट्री से अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग कल्चर्स मीट करते हैं। अब सोचो कि अगर एक सऊदी का बच्चा वहां के जो कुछ जो सेलिब्रेशन हैं उनको जब ये यहाँ के बच्चे मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसका आनंद आप यूपी के हैं तो भी ले रहे हैं, बिहार के हैं तो भी ले रहे हैं, आप पंजाब के हैं तो भी ले रहे हैं, और आपका जब आप जब पंजाबी फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो साउथ वाले भी आपके फेस्ट का आनंद ले रहे हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड यार, कल्चरली आपको यूनिवर्सिटी कितना रिच बनाएगी, कितना नॉलेज देगी, कितना एक्सपोजर देगी, ये सोचिए। और ये चीज आपको पांचों साल मिलेगी, आय हाय हाय, आपको यहाँ के पांचों क्विजींस खाने को मिलेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजों की, सब चीजों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे हो रही होती है, फंडिंग काफी अच्छी मिल रही होती है दोस्त, इस वजह से ये कंडक्ट भी अच्छे होते हैं। एक चीज है, ये होते हैं इंटर यूनिवर्सिटी, इनसाइड द यूनिवर्सिटी बच्चे अपने आपस में कर रहे होते हैं, ठीक है। और देखिए ट्राइलेटरल एक होता है इवेंट जो कि स्पोर्ट्स इवेंट होता है, नालसा एनएलएस और एनयूजीएस के बच्चे इंटरचेंज करते हैं, मतलब एक बार नालसा कंडक्ट कराएगा, एक बार एनयूजीएस, एक बार एनएलएस, तो इस तरह से ये स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा होता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग इवेंट, मतलब ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा होता है, जो कि साल में मतलब तीन साल में आई थिंक एक बार नालसा भी कंडक्ट कराती है, तो इन दैट मैनर ऑल्सो इट इज वेरी वेरी गुड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या चीज होती है फेस्ट में। यार क्विजिंग फेस्ट भी है हमारे पास, नालसार फोर्थ इंटरनेशनल इवेंट भी हुआ हमारा, लिटरेरी फेस्ट हुए, फिल्म फेस्ट हुए, 2019 में फर्स्ट टाइम जो है नालसार का एनएमटी नालसार मीडिएशन टूर्नामेंट कंपटीशन हुआ, समझ रहे हो, एडीआर वगैरह देख रहे हो। और देखो मैंने तुम्हें बताया था ये सब, ये देखो अलग अलग तरह के रीजनल फेस्ट होते होंगे, उसमें इस तरह से खाना पत्तल जो है ये सब चीजें सज बज के होती है, मस्ती वस्ती हो रही है दोस्त, भाई जिंदगी है यार, चले जाओ, सही बता रहा हूँ, मतलब सोचना वोचना नहीं है, एंड की साइड जो वेट करते हैं वाई वाई नॉट, दिमाग मत लगाओ, चले जाओ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यार, हम लोग बात करेंगे मार्क्स डिवीजन की। यार 100 नंबर में से तुम्हारे 50 नंबर हो रहे होते हैं एंड सेमेस्टर के, जो कि तुम रिटर्न एग्जामिनेशन लिख रहे होते हो, मिड सेमेस्टर में तुम्हें जो है 35 नंबर होते हैं जो कि तुम रिटर्न एग्जामिनेशन लिख रहे होते हो, प्रोजेक्ट तुम्हारा जो है 20 नंबर का होता है, और तुम्हारा वाइवा आई थिंक 5 मार्क्स का होता है, आई थिंक दिस को, हाँ इसको करेक्ट कर लेना यार, 35 नहीं है 25 होगा, ठीक है। सो मिड सेमेस्टर 25 मार्क्स का होता है, दिस कंसिस्ट 25, तो टोटल 100 हो जाता है, ठीक है। कूल, अटेंडेंस दोस्त 75% तो रखनी है, बट नंबर नहीं कट रहे हैं, हमारे ही कॉलेज वाले हैं, चलिए कोई बात नहीं, अटेंडेंस जो है 75% आपको मैंडेटरी रखनी पड़ेगी, उसके नीचे आपका आपको पेपर देने से रोका जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल रहे होते हैं अटेंडेंस के बेसिस पे, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी गुड, वी आर हेयर टू स्टडी बाय टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जानते हैं बच्चों में दम है दोस्त, ठीक है। चलिए सर हम लोग यार आगे देखने की बात करते हैं, क्या हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट की। सर जान होती है कॉलेज की, बच्चा चाहे कुछ ना जानता हो, माता पिता चाहे कुछ ना जानते हो किसी कॉलेज के बारे में, वो क्या पूछते हैं कि वहां से बच्चों का प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। मुझसे बच्चों के पर्सनली मैसेज भी आते हैं कि भैया आरएमएल में प्लेसमेंट है क्या, वीडियो देखी है, बनाई है, सब कुछ बताया है, भैया यहाँ पे ये चीज है क्या दोस्त पूरा। तो देखो किसी भी चीज का आधा ज्ञान गलत होता है, मैं तुम्हारे लिए डिटेल जितनी कवर करनी नेसेसरी है वो हर वीडियो में कवर कर रहा हूँ। सो प्लेसमेंट अगर हम नालसार की बात करें तो भाई क्या कहने, मतलब वन ऑफ द टॉप इंडिया के 15-18 लाख हाइएस्ट पैकेज मिल रहा होता है, 12-13 लाख एवरेज पैकेज हो रहा होता है, ये भाई बहुतों का हाइएस्ट है, और वो भी कुछ को मिलता है, यहाँ एवरेज है जो कि 100% प्लेसमेंट है दोस्त, ऑलमोस्ट 100% भाई, ये बैठे जितने बच्चे उनको मिल जाए जॉब, यही तो 100% होता है। हाँ अब यहाँ से कुछ बच्चे यूपीएससी में जाएंगे, जुडिशरी में जाएंगे, कुछ फॉरेन पढ़ने चले जाएंगे, कुछ इंडिया में एलएलएम करने चले जाएंगे, दैट इज डिफरेंट, बट दोज़ हू वांट जॉब आर हैविंग जॉब, ठीक है। इंटरनेशनल पैकेज की बात कर रहे हैं, 40 लाख रुपए का यार कुछ बच्चों को पैकेज, 40 से ऊपर 40-50 की रेंज में सर ने बताया भैया ने, हु नो लाइक फ्रॉम वेयर आई गॉट द इन्फॉर्मेशन। सो ये चीज हो रही होती है यार, इसलिए आप समझिए इसको जरा, अभी आपका जो पॉकेट मनी खर्च होता है ना
उसके जीरो गिनिएगा और इसके जीरो गिनिएगा और तब देखिएगा कि आपकी क्या वैल्यू हो सकती है अगले 5 साल में, 4 साल में उसके दोस्त, ठीक है। बट थोड़ा सा पेंडेमिक से इफेक्ट आया जो पूरी जगह आया, दैट इज समथिंग विच आई थिंक ठीक है। चलिए चलो सर, फैकल्टी मिक्स है यार, बढ़िया ही होती है यार, ठीक है, मतलब डालने का था तो डाल दिया स्लाइड, चलिए है ना। वाई नालसार, ओवरऑल वेरी वेरी गुड कैंपस यार, व्हेन यू विल एंटर इनटू द कैंपस यू विल से कि हाँ यार कुछ तो है जान इस कैंपस के अंदर भी, अलग ही एक वाइब हो रही होती है, ठीक है। करिकुलम भी बहुत अच्छे डिजाइन हुआ है, ये समझो यार, इनमें मैं कुछ प्लेसमेंट को बोल ही नहीं सकता। देखो करिकुलम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एज आई हैव नोटिस, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, डिस्क्लेमर, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, एज नालसार में ट्राई सेमेस्टर है, आपको 4-4 महीने में पेपर देने होते हैं, दैट वुड क्रिएट अ हाई एकेडमिक प्रेशर ऑन यू एंड विल नॉट बी लेटिंग यू टू एक्सप्लोर मोर एरेनास इन योर लाइफ, बट नालसार इज प्रोवाइडिंग लीनियंसी, यहाँ पे आपको सेम लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बट थोड़े कम प्रेशर के साथ, तो आपके पास और अपने आप को भी खोल के एक्सप्लोर करने का मौका होता है। दोस्त कॉलेज लाइफ ही तो है, इसके बाद तो क्या नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, तुम लोग वही उसी साइकिल में फंस जाओ जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स फंसे हुए हैं। इस लाइफ को तो एंजॉय कर लो, जहां पे हो सके बेस्ट वे में वो करना चाहिए ना, ठीक है। गुड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट आई गॉट द रिव्यू फ्रॉम द फ्रॉम वेयर आई कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन, फंडिंग इज वेरी इजीली अवेलेबल टू द इंस्टीट्यूट, दैट्स व्हाई इट इज ग्रोइंग। अब बोलेंगे ना सर, बताता हूँ क्या क्यों लिखा है मैंने, देखो पीपल विल से कि दिस व्हाई नॉट नालसार आउटकर, भाई कोई को बोलेगा ना एनएलयू डी चला जाता हूं मैं, क्यों, इट इज इन दिल्ली द बेस्ट प्लेस टू, बिकॉज वहां पे फर्म्स, भाई यहाँ फर्म्स आ रही हैं, फर्म्स आ रही हैं, तुमको नहीं भटकना, तो एनएलयू डी में तुमको भी नहीं भटकना, वहां अपने आप फर्म्स आती हैं, वो इस वहां पास है तो भी आती हैं, यहाँ दूर तो भी आती हैं, क्या फर्क है, ठीक है। सो दैट कॉन इज ऑल्सो नॉट अ कॉन एक्चुअली, ओके। सो विद दैट क्या समझ में आया, बताओ बताओ भाई, कुछ आया, यही ना कि भगवान से दुआ करो पेपर बढ़िया हो और यहां एडमिशन हो जाए, जिंदगी धन्य है दोस्त, ठीक है। चलिए इस सब के साथ, हंसी मजाक मस्ती के साथ वीडियो करते हैं, एंड कोई पर्सनल डाउट हो दोस्त तो मुझे करो कॉन्टेक्ट, तुम इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे 2022 वाले बच्चे, वहाँ उनके लिए भी हम लोग कुछ बढ़िया सा करने वाले हैं कुछ दिनों में, ग्रुप के मेंबर्स को कुछ स्पेशल माल मिलने वाला है। चलिए सर, अब हम लोग इससे वीडियो से लेते हैं विदा, और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को यार जितना शेयर कर सको करो यार, ठीक है, बहुत 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 मेहनत लगती है, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। विद दैट नोट लेट्स एंड द वीडियो दोस्त, टाटा बाय बाय।